आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या बुद्धि को बांधा जा सकता है, दूसरी बात बुद्धि बंधन कैसे होता है, उसके लक्षण क्या हैं, तीसरी बात कि बुद्धि बंधन कैसे खोला जाता है। इन्हीं टॉपिक पर कम से कम समय में ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी प्रेमी वीडियो छोड़कर नहीं जाएगा। देखिए, आप लोगों के नीचे कमेंट आए हुए हैं कि हमें आपसे जुड़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो ऊपर हमने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होइए, वहां जुड़िए और वहां मैसेज करिए। जैसा भी संभव हो सकेगा आपके सवालों का जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो अब बात करते हैं बुद्धि बंधन के ऊपर। देखिए, इस समय हजारों लोग आपके आसपास ऐसे हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से आप उनसे आगे निकल जाओ, तो कैसे ना कैसे करके वो आपका बुद्धि बंधन करवाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका जो कंपटीटर है वो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था आपके लिए कर देगा कि आपका काम रुक जाएगा। या आप किसी भी फील्ड में हैं तो जो हमारे साथ वाले होते हैं, जो इस रेस में हमारे साथ हैं, इस दौड़ में हमारे साथ हैं, वही हमारे ऊपर कुछ ऐसा करवा देते हैं कि नेगेटिव लोगों के पास जाके कि आपका बुद्धि बंधन कर दिया जाता है। अब ये कैसे पहचाने कि हमारा बुद्धि बंधन हो चुका है, या हम कैसे पहचाने कि हमारे परिवार में किसी की बुद्धि बांध दी गई है। सिंपल तरीके से बात करूं तो आप अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में देखिए कि ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देता है या नहीं। कैसा व्यक्ति? सबसे पहले तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करता था या बहुत ज्यादा पढ़ता था, लेकिन अब उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है। अचानक, ये नहीं कि कोई मेरे जैसा फेल स्टूडेंट था, कभी किताब उठाई नहीं, और आप ये मान लो कि बुद्धि नहीं, ये देखो, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इसके साथ ये भी चीज़ है कि हमें अंधविश्वास नहीं फैलाना है किसी भी तरीके से। तो इस चीज़ को ये मत लेके चलना कि आपका बच्चा पढ़ता तो फोन के कारण नहीं है और आप बोल दोगे इसकी बुद्धि बंधी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बच्चा पहले से ही शरारती है और अब आप सोच रहे हो कि बुद्धि बंधी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगे कि हमारा बच्चा बहुत होशियार था, पहले बहुत अच्छे नंबर से पास होता था, लेकिन अब उसका पढ़ाई में मन नहीं है पिछले कुछ समय से, तो कहीं ना कहीं इसके संकेत मिल सकते हैं। वो व्यक्ति, वो बच्चा अकेला रहना शुरू कर देगा। उसके ख्याल में सिर्फ यही रहेगा कि मुझे अकेला रहना है। उसे दूसरों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई भय लगने लगेगा। तो ये भी एक संकेत है कि कहीं ना कहीं उसे जानबूझकर अलग किया जा रहा है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा संख्या में ये देखने को मिलेगा कि कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है, वो उसको भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जेब में फ़ोन रखा हुआ है लेकिन बार बार ये देखेगा कि फ़ोन कहाँ है। जैसे मान के चलो अपनी कोई गाड़ी है, अपनी कोई बाइक है, वो उसने घर में पार्क कर दी, लेकिन बार बार ये सोचेगा यार पता नहीं मेरी गाड़ी कहाँ, यानी उसको भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाएगी। लेकिन आपको लगेगा यार अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी तो या तो अगर कोई बच्चा है तो ये तो स्टूडेंट है, और अगर कोई वैसे भी व्यक्ति है तो लगेगा यार इसकी उम्र क्या है भूलने की, अगर अभी इसके साथ ये हाल है तो आगे बुढ़ापे में इसके साथ क्या होगा भाई। ये सारी चीजें उसके साथ होने लगेंगी। धीरे धीरे उसका हर एक चीज से मन उचटने लग जाएगा। आप खुद महसूस कर पाओगे, हालांकि वो बताएगा नहीं आपको, लेकिन आप उसके हाव भाव को, उसके चेहरे को, उसके रंग ढंग को देखकर आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं ये किसी बात से तो परेशान है, यानी वो सारा दिन अपनी ही बातों की उलझन में लगा रहेगा। दिखाई दे रहा है सामने एक गिलास पड़ा है, उठा लेगा, पानी पी लेगा, बात खत्म, बस इतनी सी है, लेकिन उसको भी वो इतना ज्यादा उलझन में डाल देगा कि कैसे गिलास उठाऊं, कैसे पानी पीऊं, कैसे क्या करूं, और एक अपने ही आप में वो व्यक्ति चिड़चिड़ा बना रहता, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा उसका स्वभाव हो जाता है, और आपको लगता है यार इसके ऊपर तो कोई प्रेत है, ये है वो है, आप हजारों प्रकार की बातों की तरफ चले जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बुद्धि बंधन किया गया है। आप देखोगे कि वो व्यक्ति रात को अचानक उठ जाएगा, उठ के अपना बिस्तर साफ करने लगेगा, लगेगा कि यहाँ कोई गंदगी फैली हुई है, जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं। उस व्यक्ति की रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में आंखें जरूर खुलेंगी। आंखें खुलते ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगेगा, बैठा रहेगा, घंटों घंटों एक जगह बैठकर बिता देगा। ये सारे लक्षण है कि उसकी बुद्धि बांध दी गई है और किसी अपने की द्वारा ही बांध दी गई है, जो उसके आसपास रहता है, जो उसका किसी भी प्रकार से कोई पार्टनर है। ये कोई भी हो सकता है, ये आपको तय करना है, ये हम नहीं बता सकते भाई, ये आपको देखना है। ये कुछ कॉमन लक्षण थे जो हमने आपको बताए। जैसे कि आपको लगेगा ना कि हाँ ये पहले बहुत काम करता था, अब बिल्कुल काम नहीं करता, धीरे धीरे व्यापार भी ठप पड़ता जा रहा है, पढ़ाई भी जीरो होती जा रही है, या किसी भी काम में कोई बरकत नहीं हो रही इस व्यक्ति द्वारा, तो जान लेना कि उसकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है। क्यों किया गया है? उसी का कोई कंपटीटर मिलेगा ताकि ये हमसे आगे ना निकल जाए, हम कहीं ना कहीं इसको यही रोक दें।
और ये सारी चीजें वास्तव में होती हैं। अगर आपको लगता है दकियानुषी बातें हैं तो आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हो, लेकिन लगता है आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो यहाँ से आगे आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि अब हम बताएंगे कि इस बुद्धि बंधन को तोड़ा कैसे जाए, भेदा कैसे जाए। सबसे पहले, आप स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको बाबा हनुमान की शरण में जाना होगा। आपको लगातार 21 दिनों तक हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। अब आप ये भी कहोगे कि हम तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ते, ऐसे नहीं, एक तरीके से पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ एक ही बार पढ़नी है, एक दिन में एक ही बार पढ़नी है। सबसे पहले तो नियम लीजिए, आप सुबह पढ़ोगे शाम पढ़ोगे, जिस समय बैठना है ना, सुबह 6 बजे बैठे तो 6 बजे ही हर रोज करनी है, शाम को 6 बजे तो शाम को ही कर। एक एग्जाम्पल दिया है 6 बजे का, जब भी आपको समय मिले सुबह या शाम दोनों समय कर सको तो इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती। 21 दिनों तक लगातार आप महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, ये काम करना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या परेशानी आ जाती है कि जो महिलाएं हैं मासिक धर्म की जो सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो आपको कोशिश करिए कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7 दिन या 9 दिन तो आप पाठ कर सकें, लेकिन उस दौरान आपको हर रोज कम से कम 3 या 7 पाठ करने होंगे हनुमान चालीसा के। कैसे करना होगा अब इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। कोशिश करिए आपके आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो आप वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ कोशिश करिए जो मूर्ति है बाबा हनुमान की वो सिंदूरी रंग की हो। अब अगर कहीं मंदिर नहीं मिलता तो आप घर पर ही बाबा हनुमान की पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। घर पर करोगे तो आपको क्या करना होगा, सिंदूर अलग से रखना होगा, और अगर किसी मंदिर में सिंदूरी मूर्ति है तो आप वहाँ चले जाइए, और वहाँ जाने के बाद आपको एक घी का या फिर चमेली के तेल का दीपक जलाना होगा, जो भी आपसे अवेलेबल हो सके। दीपक जलाइए, दीपक को सामने रखिए, अब हाथ में जल डालिए और संकल्प करिए, मेरा नाम ये है, पिता का या पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है, और इस समय मेरा बुद्धि बंधन कर दिया गया है, मेरा किसी काम में मन नहीं है। या अगर जिस व्यक्ति का बुद्धि बंधन हुआ वो नहीं कर सकता तो उसका नाम लेकर उसका परिवार का कोई दूसरा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसका नाम ले लीजिए कि उसका, मेरे परिवार में उसका और मेरा उसका ये रिश्ता है, बुद्धि बंधन कर दिया गया, उसके नाम का मैं 21 दिनों तक पाठ कर रहा हूँ, 7-9 दिनों तक पाठ कर रही हूँ, जो भी आप कर सकते हो। इस और बाबा हनुमान, संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर सकते हो, अतः अपनी शक्तियों को याद करिए, जागृत स्वरूप में विराजमान होइए और ये बुद्धि बंधन तोड़ दीजिए। फिर जल आपको छोड़ देना है, दीपक को उठाना है, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और किसी दूसरे का बंधन है तो उसका नाम लेके अपने सामने से ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाना उस दीपक को, और वापिस वहीं रख दीजिए, जलता हुआ दीपक वापिस वहीं रख दीजिए, और फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद हनुमान आरती जरूर करना है आपको, चालीसा बैठकर करिए, आरती खड़े होकर करिए, उसके बाद बाबा हनुमान के श्री चरणों में जो सिंदूर लगा होता है, इस उंगली से सिंदूर लगाइए और अपने माथे पर लगा लीजिए, और घर पर कर रहे हो तो थोड़ा सा सिंदूर का तिलक अपने माथे पर कर लीजिए। आप देखोगे कि 21 दिन के अंदर अंदर आपका जो बुद्धि बंधन किसी भी प्रकार से किया गया था वो दूर हो जाएगा, या इस दौरान कोई चौराहे की लाग लपेट आपके साथ कहीं से आई होगी तो वो भी दूर हो जाएगी, और हर प्रकार से आपके आसपास एक पॉजिटिव ओरा क्रिएट कर दिया जाएगा बाबा हनुमान की शक्तिशाली हनुमान चालीसा के द्वारा, और आपकी जिंदगी में बदलाव 21 दिनों के अंदर अंदर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर कहता हूँ, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जय श्री श्याम।